one increase in the federal funds rate will be appropriate this year. आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज अच्छी तैयारी भारतीय बाजारों की है खुलने की, क्योंकि एसिक्स निफ्टी अब करीब 80 अंक के बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। जी और आइए एक बार एसिक्स से शुरुआत कर लेते हैं, अच्छी चीज से शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। और इस बीच अगर आप देखें नेगेटिव एक्शन भी आ गया, 8842 8850 ये सबसे महत्वपूर्ण क्लस्टर था। अब देखिए दो चीज है, एक तो यहाँ पर ओपनिंग होगी और उसके बाद जो शॉर्ट होल्डर है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये पूरा पॉइंट है मेरा। आप देखें इस बीच अगर आप देखें 66.86 पर भारतीय रुपया खुला है और करीब 67.2 के अगेंस्ट अगर आप देखें 66.83 पे, यानी 17, 18, 19 पैसे की स्ट्रांग ओपनिंग, तो यानी कल के फेड के निर्णय की अगर आप देखें तो पूरा का पूरा यहाँ पर इंपैक्ट जो है वो मुद्रा बाजार पर दिखाई दे रहा है। और रुपया जो कि इस वक्त आई थिंक नो डाउट आप खुलकर ये कह सकते हैं कि सबसे मजबूत अगर आप देखें जो करेंसीज हैं उसकी श्रेणी में है, और एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी है इसने पोस्ट टाइम इन फेड मीट 66.86 करीब करीब अगर आप देखें तो 17-18 पैसे की मजबूत शुरुआत हुई है। यहाँ पे एडलवाइस को देखिए, यहाँ पर जिस फंड के अधिग्रहण की बात आई थी उसके बाद करीब 0.25 रुपये ऊपर, हालांकि ये बहुत मजबूत स्टॉक है। हिंडालको 152.50 के स्तर पर 3 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, इसमें मजबूती काफ़ी अच्छी खासी 2%। उसके बाद IDFC अगर आप देखें 61.90 पे 2 रुपये ऊपर, 3.25% की मजबूती यहाँ पर है। ICICI बैंक करीब 7 रुपये ऊपर प्रू के रिस्पॉन्स के बाद, अगर आप देखें येस बैंक 13.20 पे 100 रुपये ऊपर कारोबार करता हुआ। एक्सिस बैंक सबसे मजबूत स्ट्रक्चर प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में, SBI करीब 258 के स्तर पर 7 रुपये ऊपर है। एंड PNB अगर आप देखें 140 के स्तर पर कारोबार कर रहा है 4.25 रुपये ऊपर, तो अच्छी अगर आप देखें शुरुआत है। और अच्छे स्टॉक्स पर भारी स्टॉक्स पर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव है, BOB अगर आप देखें 166.40 पे कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छे स्विंग्स विजिबल। रिलायंस इस बीच करा देखें 1080 पे 7 रुपये ऊपर। लेकिन चलिए बात करते हैं आज सुबह जो आपको 50 स्टॉक्स दिए थे उसमें से 10 सबसे बेहतरीन न्यूज फ्लो के आधार पर और टेक्निकल सेटअप के आधार पर कौन कौन से स्टॉक हैं, समझ लेते हैं संदीप से। संदीप बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। जो पहला शेयर आज के लिए बताया गया था वो है भारत गियर्स का, सभी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद इस काउंटर में कल मूव आया था। 9850 का टारगेट लेकर चले, 94 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। सिकार लॉजिस्टिक्स कल भी लॉजिस्टिक शेयर में मूव था और आज GST काउंसिल की पहली बैठक होने वाली है, उसमें GST की दरों और सेस के ऊपर फैसला होगा, उससे पहले लॉजिस्टिक शेयरों में तेजी आ सकती है। 175 का टारगेट, 1167 का आपको उसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। प्रतिभा इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बोर्ड ने SDR के तहत लेंडर्स को शेयर जारी करने की मंजूरी दी है, उसका इंपैक्ट आज देखने को मिलेगा शेयर में। 21 का टारगेट लेकर चले, 75.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वॉल्टन नगर एक डिफेंस प्ले है और माना जा रहा है कि कल रफाल डील कल साइन हो सकती है फ्रांस के साथ, उससे पहले डिफेंस शेयरों में आज मूव आ सकता है। इस एंटीसिपेशन में 160 का टारगेट लेकर खरीदारी करें, 143 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एपकोटेक इंडस्ट्रीज अच्छी खबर आई है कि प्रमोटर ने इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 42.8% से बढ़ाकर 45.7% हिस्सा किया है, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखेगा आज। 397 का टारगेट आज के लिए और 380 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। टॉरेंट पावर 3 महीने की जो रेंज से ब्रेकआउट इस काउंटर में संभव है और वैसे भी 30 सितंबर से काउंटर FNO में शामिल हो रहा है, उसका फायदा भी दिखेगा। 186 का टारगेट, 178.50 का स्टॉप लॉस रखें। ONGC क्रूड कीमतों में उछाल आया है, वो तो एक पॉजिटिव हाई है, लेकिन उसके साथ साथ गेल को प्रीमियम के साथ इन्होंने गैस सप्लाई करने की मंजूरी सरकार से मिली है, उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। 262 का टारगेट, 253 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। गोदरेज प्रॉपर्टीज बेंगलुरु में इन्होंने एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आज के लिए। 354 का टारगेट, 334 का स्टॉप लॉस रखें। नौवां शेयर कोप्रान होगा, छोटे मझोले फार्मा शेयरों में कल भी काफी सी तेजी थी और डेली चार्ट पर सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही काउंटर नजर आ रहा है। 56 का टारगेट, 54 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। आखिर में किर्लोस्कर ब्रदर्स 8 दिनों की गिरावट के बाद उछाल देखने को मिला है, 50 DMA से शेयर में जोरदार उछाल कल देखने को मिला था, आज के लिए 166 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस रखें। शुक्रिया संदीप आपका ये टॉप 10 स्टॉक्स बताने के लिए। इंडिकेटिव एक्शन में 96 अंक ऊपर निफ्टी 8870 के लेवल्स पर, सेंसेक्स में भी 200 अंकों का उछाल। पार्टिसिपेशन आज आएगा एक बार फिर से उन अग्रेसिव सेक्टर्स से जिन्होंने अब तक की रैली को लीड किया है। बैंक्स का बिहेवियर आज इंपॉर्टेंट रहेगा। येस बैंक आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में 2% ऊपर है, ICICI बैंक में 3.5% का उछाल है, 279 का लेवल देखा जा रहा है। एक्सिस बैंक करीब 1.5% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 3% ऊपर 258 के लेवल्स पर खुलने की तैयारी कर रहा है। PNB 4.25% ऊपर है, तो PSU बैंकिंग या फिर प्राइवेट बैंकिंग सभी में एक अच्छा रुझान अभी इंडिकेटिव एक्शन में दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर, ONGC में करीब 2% का मूव इंडिकेटिव एक्शन में, 259 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। HPCL करीब 0.1% ऊपर है, 406 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है और BPCL में भी 1% का मूव 593 के लेवल्स पर। लेकिन आशीष येस बैंक पर स्पेसिफिकली आपके कमेंट्स, रीसेंट गिरावट के बाद बीते 2-3 दिनों में ये शेयर संभला है और आज फिर से एक अच्छी शुरुआत की तैयारी कर रहा है।
देखिए दीपाली, ओवरऑल तो इसके अंदर में काफ़ी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, और लास्ट दो तीन दिनों में जो तेजी देखने को मिली वो काफ़ी लो वॉल्यूम्स के साथ में आई है। तो मेरा मानना है कि जब तक के स्टॉक के अंदर में 1255 के लेवल्स नहीं क्रॉस होते और स्ट्रांग वॉल्यूम्स नहीं आते, तब तक के मुझे लगता है कि एक पुल बैक का ट्रेड है। डेफिनेटली यहाँ से बढ़त हो सकती है 20-25 रुपये की, बट कोई बड़े अपसाइड की गुंजाइश इस समय पर मैं स्टॉक के अंदर में नहीं रखता हूँ। या कुछ देर में चलिए इंडिकेटिव एक्शन मैच्योर हो जाएगा, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन एक दो स्टॉक्स में जिसका शायद जिक्र करना भूल गया और जिन्होंने कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन जो हमारे व्यूअर्स वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं, तो आयशा मोटर्स आशीष जो इसने कल किया, और मेरे ख्याल से अभी मैंने लेटेस्ट इसका OI रिशन जो कल भाव कॉपी में था वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन लास्ट चेक इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 19%। आयशा मोटर्स कोई फ्यूचर में अगर होल्ड कर रहा है तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे आशीष? देखिए बिल्कुल वीरेंद्र, इस स्टॉक में मुझे लगता है अपसाइड जो है वो शायद 27-28 हज़ार तक के लेवल्स तक की देखने को मिल सकती है। उसका कारण ये कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक साल से कंसोलिडेट हो रहा था, 22 हज़ार से ऑलमोस्ट नीचे ये 14-15 हज़ार तक आया, और उसके बाद हमने इसमें एक ब्रेकआउट देखा। तो मेरा ये मानना है कि शायद थोड़ी डिप देखने को मिले, 23 हज़ार तक के वापस एक बार आए, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और ऊपर में 27-28 हज़ार के टारगेट्स नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में आयशर मोटर्स के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। जी मानस, कल के सेशन में डेयरी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उमंग डेयरी, प्रभा डेयरी, क्वालिटी लिमिटेड में एक अच्छा खासा मूव था। इन तीनों में से स्पेशली क्वालिटी लिमिटेड में क्या एक्सटेंडेड बाइंग की आज प्रोबेबिलिटी लग रही है कल जिस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है? बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए मैं समझता हूँ करीब करीब 4-5 मंथ से स्टॉक 130 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और वो रेजिस्टेंस इतने अच्छे वॉल्यूम साथ ब्रेक करना डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। अब मैं समझता हूँ कि अब जो आपको टारगेट सेट करने हैं वो है 152 के, तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 124 के नीचे रखने चाहिए। चलिए इस बीच बस अगर आप देखिए इनकी डायरेक्शन मैच्योर होने वाला है उसके बाद देखिए, लेकिन नज़र जिन जिन स्टॉक्स पर रहेगी, जैसे कि आशीष ने कहा था कि एक नज़र रखिएगा आप ONGC पर, सबसे मजबूत बेस है। और आप ये भी देखिए आपके स्क्रीन पर एक चीज़ में शायद बोलना ही भूल गया यहाँ पर, कि आप जरा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को देखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स करीब 70-50 पे लगभग 0.2%, एजिस 172.20 पे, 172.20 का मतलब ये है कल का हाई क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। अल कार्गो 196 के स्तर पे सवा दो रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है और इस वक्त तो लॉजिस्टिक स्पेस पर आप देखें तो अच्छा खासा मूव नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन रुपए की एक अच्छी ओपनिंग हुई है, 66.86 पर रुपया खुला 15 पैसे की मजबूती के साथ। अब रुपए पर एक आउटलुक ले लेते हैं, हमारे साथ जिगर पंडित मौजूद हैं शेयर खान से। गुड मॉर्निंग जिगर, एग्जैक्टली ये फेड के आउटकम का ही इम्पैक्ट है कि रुपए की इतनी स्ट्रांग ओपनिंग हुई है और बीते एक साल में दूसरी करेंसीज के मुकाबले रुपए का बिहेवियर फिर भी काफी स्टेबल रहा है, लेकिन अब इमीडिएट ट्रेजेक्ट्री आपको रुपए की क्या लग रही है और इस रेंज से किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? डेफिनेटली कल जो हिसाब से फेड का अनाउंसमेंट आया है और जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब शायद दिसंबर में एक रेट हाइक आ सकता है, बट ओवरऑल 2017-2018 में भी स्टेटमेंट का इंडिकेट कर रहा है कि इतना अग्रेसिव नहीं रहेगा, तो इस वजह से हमने वोलेटिलिटी देखा है। बट बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे रुपी में डेफिनेटली एक अप्रिसिएशन आया है, बट आगे जाके लग रहा है कि थोड़ा और रुपी यहाँ डेप्रिसिएट हो सकता है। इंट्राडे के लिए लग रहा है 66.75 के आजू बाजू मैं एक सपोर्ट ले सकता है और ऊपर में 67.20-67.25 तक जाने की उम्मीद है। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की नहीं, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर मिड टर्म में क्या टारगेट देख रहे हैं आप? मिड टर्म में मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यदि अगर हम बात करेंगे तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है तो प्रोबेबली यहाँ से 68.5-69 तक अपना हो सकता है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, शुक्रिया आपके उस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें कोई डोरा नहीं, हालांकि कहते हैं ना भाव भगवान से अपने आप में, आप देखिए और परफॉर्मेंस, आप देखिए लेवल्स को देखिए क्या शानदार है। खैर इस बीच मैं इंडिकेटिव एक्शन का समझा दूं आपको, निफ्टी करीब 96 अंकों पर लगभग 8873 पर कारोबार कर रहा है, यानी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर को डेफिनेटली अगर आप देखें पार करके कारोबार कर रहा है, लेकिन इस पर टिकना, इस पर जुझारूपन दिखाना बहुत जरूरी है। SBI सबसे ऊपर करीब 0.3% ऊपर करीब 257.90 के स्तर पे, हिंडालको लगभग 2.5% ऊपर है, ICICI बैंक करीब 2.25% ऊपर, अच्छी मजबूती यहाँ पे है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स दोनों का देखें लगभग 2% ऊपर, फिर आता है येस बैंक, एक्सिस बैंक का नंबर दो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के काउंटर, उसके बाद आप देखिए NTPC, हीरो मोटरकॉप, BOB, BHL, यानी आज के इस पुल बैक में आप देखें सिवियर कंट्रीब्यूशन और सीरियस कंट्रीब्यूशन जिन स्टॉक्स का है वो है बैंकिंग स्पेस के। बैकफुट पे सिर्फ दो ही स्टॉक्स हैं आप देखिए, तो डॉक्टर रेड्डीज और HUL इस वक्त दोनों ही स्टॉक्स हल्की सी
कमजोरी के साथ कारोबार करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए आप, सेंजन को 6% का उछाल 510 के लेवल पर इंडिकेटिव एक्शन में। आज खबरों में भी था, हमने बातचीत भी की थी, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज के साथ डील साइन की है कंपनी ने और डील के तहत कंपनी के सिस्टम्स बायोलॉजी और फार्मा सर्विसेज कंपनी खरीदेगी। लेकिन एक स्ट्रांग रिएक्शन सेंजन पर, 6% ज्यादा का मूव भी देखा जा रहा है और फंडामेंटली टेक्निकली दोनों ही स्ट्रक्चर जो है इस कंपनी का वो काफी साउंड। एक छोटा कमेंट फटाफट से ले लेते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, सेंजन पर आपकी राय। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मजबूती है फ्रॉम 410 टू 420 और लेवल से। अगर ये इंडिकेटिव इंडेक्स में सेक्शन में दिखा रहा है 514 के ऊपर चल रहा है तो इट वुड बी न्यू टॉप एंड ऑल टाइम टॉप। आई थिंक मूवमेंट बरकरार रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिहाज से 560-570 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप वन मंथ होराइजन की बात कर रहे हैं तो स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 675 फॉलोड बाय 720। आशीष, अपनी ट्रेडिंग आई थिंक पोर्टफोलियो में कुछ और ऐड करना चाहेंगे? आई मीन जिस प्रकार की ओपनिंग हो रही है, एक बार मैं उससे पहले जरा प्लीज निफ्टी बैंक भी देखना चाहूंगा। निफ्टी बैंक को ऐड कर लेते हैं क्योंकि देखिए जिस प्रकार का बिहेवियर है, निफ्टी बैंक 20153 पर 350 अंक ऊपर, बहुत स्ट्रांग ओपनिंग के अगर देखिए चांसेस यहाँ पर है। आशीष, निफ्टी बैंक पर आपका आउटलुक क्या होगा? नो डाउट 20200-20300 एक सप्लाई जोन है। आप फर्स्ट टिक में अगर लॉन्ग है तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे इस वक्त? देखिए 20200 एक डिसाइसिवली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और अगर से उसके आसपास कहीं अटकता है तो वहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फ्रेश ट्रेड आप वापस ले सकते हैं अगर से बैंक निफ्टी 20200 के लेवल को कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन करता है, क्योंकि एक बार वो ब्रेकआउट होगा तो फिर वहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली फ्रेश देखने को मिलेगी। तो मेरा ये मानना है 20200 के आसपास अगर से ये कहीं भी अटकता हुआ दिखता है तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ठीक रहेगा। तीन स्टॉक्स देख लेते हैं इंडिकेटिव एक्शन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो आईडीएफसी बैंक, दूसरा डीसीबी बैंक और तीसरा टोरेंट पावर, क्योंकि ये तीनों ही स्टॉक्स 30 सितंबर से एफएनडो में शामिल होंगे। आईडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, टोरेंट पावर की यहां पर बात हो रही है। टोरेंट पावर इनफैक्ट इंडिकेटिव एक्शन में 3% तक का उछाल दिखा रहा है, कल भी ये स्टॉक चला था और स्ट्रांग रिएक्शन डीसीबी बैंक पर भी है। संक्षेप में मानस, आपका कॉमेंट स्पेशली टोरेंट पावर पर, जहां पर हमने इस सीरीज की शुरुआत से ही थोड़ा प्रेशर देखा है, स्टॉक कल भी चला और आज वापस एक अच्छी ओपनिंग की तैयारी में है, क्या सलाह रहेगी आपकी टोरेंट पावर पर? देखिए, कल लोअर लेवल पे हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और वो काफ़ी इंडिकेट कर रहा था कि कम से कम 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 189 के आसपास है, स्टॉक वो टेस्ट कर सकता है। और मेरे ख्याल से अगर आज ये 3% ऊपर है तो शायद वो लेवल्स भी जल्दी ही टेस्ट हो जाएंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है 195 और 197 की रेंज को ब्रेक करना। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, अगर उसके ऊपर स्टॉक निकलता है, तब तो आप मान के चल सकते हैं कि एक डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा और उसमें स्टॉक 225 तक के स्तर को छू सकता है। तो आपके पास है तो बने रहे, 174 का स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए रखें। जब स्टॉक 195 के लेवल्स को ब्रेक करे तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 185 कर लें। चलिए, इस बीच एक बार फिर से आता हूँ मैं जरा मिड कैप में, मिड कैप में जो कि बहुत शार्प मूव दे रहे हैं, लार्ज कैप का तो मैंने हाल आपको बता दिया। इसमें आप देखिए अलाहाबाद बैंक, जो बैंकिंग आप देखिए तो आज आई थिंक बैंकों पे जो कुछ दिनों में शॉर्ट सवार हुए थे ना, वो भी अगर आप देखें आज कवर में आ रहे हैं। फिर आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, यहाँ तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग मूव है। उसके बाद एक स्टॉक और देखिए, ये परसों मैंने आपको एक टुडेज ट्रेड दिया था और फिर इसमें कहा था कि प्लीज एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर नॉट लाइक अ ट्रेडर। आप देखिए सेंचुरी प्लाई अपने 52 हफ्तों के नए हाई पर खुलने की तैयारी कर रहा है, इसको देखिएगा जरूर। और उसके बाद अगर आप देखें डीसीबी बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, तो बैंकों का नाम जहां जहां शामिल है। और इस बीच एक्साइट लगभग 2% ऊपर, यहां तेजी अच्छी खासी है 196.50। आशीष, इस बास्केट में, विद इन द बास्केट ऑफ आई थिंक बैटरी स्टॉक्स, 196.50 एक्साइट एंड अदर वन इज आई थिंक अमराजा बैटरीज, इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे आप? देखिए एक्साइड मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ये स्टॉक क्लियरली मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद एक 192-193 के लेवल्स को क्रॉस किया है। मेरा मानना है स्टॉक अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और आने वाले दिनों में 230-240 तक के टारगेट्स हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं। 192 का एक ब्रेकआउट हुआ है तो मेरा मानना है 190 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 230-240 के स्तर इस स्टॉक में जल्दी देखने को मिल सकता है। जी, इंडिकेटिव एक्शन में ही एक बार देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को। दो गाड़ियों के रिकॉल की खबर, क्या स्टॉक पर प्रेशर क्रिएट करे? नहीं, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है एमएनएफ भी और इंडिकेटिव एक्शन में 1% ऊपर 1420 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक बार फिर से देखें तो टारगेट की गुंजाइश जो थी वो आपकी स्क्रीन पर है।
आइए शुरुआत करते हैं 8873 एज पर द इंडिकेटिव एक्शन 96 पॉइंट अगर आप देखें ऊपर निफ्टी था। पहला टिक क्या कहने जा रहा है, कितने अंक ऊपर, 100 अंक ऊपर खुलेंगे क्या? 8873 एज पर द इंडिकेटिव एक्शन।